हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी भयंकर गर्मी में भी मेरे गार्डन में पालक देखिए कितना अच्छा से ग्रो हो रखा है। और अब मैं करूँगी इसकी हार्वेस्टिंग। तो देखिए, पहली हार्वेस्टिंग है मेरे इस पालक की, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं हो पाते इसके। तो देखिए, ये ऐसे ही है, थोड़ा सर्दियों में थोड़ा अच्छा हो जाता है, गर्मी में कुछ ये देखिए इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। और देखिए, अब डाल देंगे इसमें हम पानी, ताकि हमें दूसरी ये दूसरे पत्ते जल्दी से इसके बड़े हो जाएं और हम दोबारा से इसकी जल्दी से हार्वेस्टिंग कर लें। तो जब भी आप पालक की हार्वेस्टिंग करें, तो उसके बाद पानी डाल दें उसमें, ताकि जो नए पत्ते हैं वो जल्दी से ग्रोथ कर जाएंगे और आपको बहुत ही जल्दी पालक दोबारा से हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। इतना सारा पालक ले लिया अपने गार्डन से और पूरा हमारा पालक पनीर आज बन जाएगा, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पेड़ के हिस्से भी तोड़ लेते हैं लाल मिर्च। तो देखिए, इसमें हरी भी कुछ काफ़ी सारी लगी हुई है, ये देखिए छोटी छोटी लगनी भी शुरू हो गई है अभी, ये देखिए, ये देखिए। और देखिए, इधर थोड़ी बड़ी साइज की हरी वाली भी लगी हुई है, तो इनको हम छोड़ देंगे। ये देखिए, इसमें हरी भी लगी हुई है, काफ़ी सारे फूल भी आए हुए हैं और छोटी छोटी लग रही हैं इसमें, ये देखिए। तो हम रेड वाली ही निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये और तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बनाएंगे हम पालक की मस्त वाली पालक पनीर की सब्जी। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे गार्डन की पालक है, तो इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया और साफ करके अच्छे से मैंने दो तीन बार इसको पानी से धो लिया, ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। और अब हम जब तक ये इसको उबलने रख देते हैं, जब तक ये उबलेगी तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया, और ये एक मैंने मीडियम टमाटर लिया है, जिसको मैंने काट लिया है। और ये देखिए, ये मेरे गार्डन की ही मिर्च है, जो मैंने अभी पालक के साथ तोड़ी है, तो ये वही मिर्च है, आज मैं इसी से ही अपनी सब्जी बनाऊँगी। और ये हमने तीन कली लहसुन की ली है, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, तो इसको हम अब मिक्सी में पीस लेंगे। पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन की मिर्च है, कितना लाल कलर आया है इसमें, ये देखिए। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी। तो इधर हमारा पालक उबल रहा है और उधर हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कड़छी देसी घी लिया है, आप इसको तेल में भी बना सकते हो और रिफाइंड में भी बना सकते हो, तो मैंने तो देसी घी लिया है। तो ये मेरा देसी घी गर्म हो गया है, और इसमें मैंने लिया आधी चम्मच जीरा, और अब मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज। और प्याज को हम तब तक भून देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, प्याज का मेरा कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था अपने गार्डन की मिर्च और अदरक लहसुन से, तो उसका मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हो, जैसे कि प्याज डालने से पहले कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी और दो लौंग, ऐसे ये डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैं थोड़ी सिंपल टाइप से बना रही हूँ। तो देखिए, कुछ हमने इसमें मसाले ले लिए हैं, जैसे कि मैंने हल्दी और सूखा धनिया, नमक, और थोड़ा सा मैंने किचन किंग डाला है इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो तब तक भूनेंगे जब तक ये हमारा मसाला घी ना छोड़ दे। तो देखिए, मसाले ने बिल्कुल घी छोड़ दिया है, और हमारी पालक भी उबल के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए, इसको मैं अब बिल्कुल पक चुका है पालक, और इसको मैं अब कर लूँगी ग्राइंड। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कुछ अच्छे से जब हम धो लेते हैं हमारी पालक को, तो बिल्कुल भी इसमें अगर किरकिराहट नहीं होती, तो हम इसी में ही ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से पालक धोया है, तो इसमें बिल्कुल भी इसके अंदर मिट्टी नहीं है। तो अगर आप धोते समय पालक में अगर आपके कड़छी चलाते समय थोड़ा किरकिराहट आता है, तो आप ऊपर का पानी निकाल लें और पालक निकाल लें, उसके बाद इसको ग्राइंड करें। तो देखिए, ये प्यूरी जो मैंने बनाई थी, ये मैंने अपने मसाले में बिल्कुल ऐड कर दी है, और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तो भूनने के बाद देखिए, अब इसको मैं
ढक दूंगी और ढक के मैं इसको धीमी धीमी गैस पे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि मेरी ग्रेवी का कलर अच्छे से आ जाए और पालक मेरी अच्छे से भुन जाए। तो देखिए पालक भुन गई है और मेरी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है पालक के ऊपर। और अब इसमें मैं कर दूंगी पनीर ऐड। तो देखिए ये मैंने एक पाव पनीर लिया है, तो ये मैंने चकोर पीस में काट लिया है और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मिलाने के बाद मैं इसको फिर उसके बाद ढक दूंगी और ढकने के बाद धीमी धीमी गैस पे मैं इसको एक दो मिनट और पकाऊंगी ताकि जो हमारा ग्रेवी का जो फ्लेवर है जो पनीर के अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो देखिए उससे ना पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए अब मेरा पनीर पालक पनीर बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल एकदम। और इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि मैंने खड़े मसाले इसमें नहीं डाले हैं तो मैंने इसमें गरम मसाले का यूज किया है, ऊपर से ये डाल दिया है तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और आप ज़रूर ट्राई करें एक बार इस रेसिपी को।